सो अगला हेडिंग है बच्चों, सममित एवं विषम सममित आघूर्ण के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? रादर वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी में बच्चों देखें, ठीक है, कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये मान लीजिए ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो बच्चों, अगर आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में, ठीक है, अगर हम उसी के ट्रांसपोज को ऐड कर दें, देन इट इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तब वो जो होगी वो एक सममित आघूर्ण बनेगा। इफ ए इज एडेड टू इट्स ट्रांसपोज, दैट इज ए ट्रांसपोज। तो देखें प्रूफ बच्चों इसका, से B is equal to A plus A transpose, ठीक है। अब बच्चों हम लोग जानते हैं कि अगर B transpose B के बराबर हो जाए, if transpose of a matrix is equal to its equal to the same matrix, then that type of matrix is a symmetric matrix। So यहां पर then B transpose is equal to A plus A transpose का transpose, so this is equal to, according to the property of transpose के अनुसार बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर हम इसका transpose करते हैं then it comes out A transpose प्लस ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, सो दिस इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बच्चों वो ए के बराबर हो गया, ठीक, एंड दिस इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्योंकि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस ऑलवेज कम्यूटेटिव लॉ, तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, इट इज ए प्लस ए ट्रांसपोज, बट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, सो ए ये यहां पर आपको मिल गया, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, ठीक है, और जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर हो जाए तो वो क्या हो जाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिस इंप्लाइज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज always a symmetric matrix। So ये बच्चों पहली प्रॉपर्टी थी कि किसी मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर उसी के ट्रांसपोज को ऐड कर दिया जाए, ठीक, तो ये जो मैट्रिक्स मिलती है ये बच्चों क्या होती है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ठीक। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखें, सो दूसरी प्रॉपर्टी में बच्चों, then A minus A transpose is always a skew symmetric matrix।
सो बच्चों अगर ए कोई इस है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और उस स्क्वायर मैट्रिक्स से उसी के ट्रांसपोज को सबट्रैक्ट कर दिया जाए तो जो मैट्रिक्स मिलती है इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ठीक है सो प्रूफ से b इक्वल टू a माइनस a ट्रांसपोज ठीक अब फॉर बीइंग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स If B is a skew symmetric matrix, then B transpose is equal to minus B. So if B is a skew symmetric, then B transpose is equal to minus B. So B आपने ये लिया. This implies B transpose is equal to A minus A transpose ka whole transpose. So, bacho, ab by the law of transpose, we have A transpose minus A transpose ka transpose. So, this time we have A transpose minus A. Taking minus common, So we have A minus A transpose and this is equal to B. So it is minus B. So here we have B transpose is equal to minus B. So bachcho yahan par humko mil gaya ki B transpose is equal to minus B and B kiske barabar hai? A minus A transpose. Okay? So thus A minus A transpose is a skew symmetric matrix. अब बच्चों इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इससे आगे ये अगर हम क्या करें कि इस तरह से जो दो मैट्रिसेस हमको सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक जो मैट्रिसेस हमको मिल रही हैं अगर उनको हम ऐड करें तब क्या होगा ठीक है सो हियर नोट ए प्लस ए ट्रांसपोज plus A minus A transpose this is equal to 2A so here A is equal to 1 by 2 of A plus A transpose plus 1 by 2 A minus A transpose so 1 by 2 is a scalar quantity ये तो scalar हो गया तो इसका मतलब है और ये जो मैट्रिक्स है या ये पूरी जो मैट्रिक्स है ठीक है इट इज सिमेट्रिक एंड दिस मैट्रिक्स इज एंटी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक सो दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दिस वन इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सो बच्चों आप देख रहे हैं यहां पर कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के बराबर के योग के बराबर लिखी जा सकती है ठीक तो इसका मतलब यह हुआ कि ईच स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ठीक So this one is the ultimate proof. Okay? Therefore, each square matrix, each square matrix
इज इक्वल टू द सम ऑफ अ सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. या इसी बात को बच्चों आप कह सकते हैं कि ईच स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. किसी भी आवूं को किसी भी वर्ग आवूं को एक सममित और एक विषम सममित आवूं के योग के बराबर लिखा जा सकता है. ठीक, मतलब किसी भी वर्ग आवूं को एक सममित और एक विषम सममित आवू के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता. सो यहां पर बच्चों आपने देखा कि ईच स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक, अब बच्चों हम लोग पहुंचते हैं किसी वर्ग आवूं का सारणी. सो बच्चों अगला है किसी वर्ग आवूं का सारणिक. Determinant of a square matrix. किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है. ठीक, सो बच्चों डिटर्मिनेंट या सारणिक एक विशेष एक स्पेशल संख्या है जो किसी आवू से प्राप्त होती है, किसी स्क्वायर आवू से प्राप्त होती है. इट मींस रिलेटेड टू ईच स्क्वायर मैट्रिक्स देयर इज अ स्पेशल स्पेसिफिक ठीक है नंबर और क्वांटिटी. ठीक है, दैट इज कॉल्ड इट्स डिटर्मिनेंट. अलग अलग मैट्रिक्स का अलग अलग स्क्वायर मैट्रिक्स का बच्चों डिटर्मिनेंट अलग अलग होगा. ठीक है, it is the possibility then the determinant of a matrix can be zero also. kisi determinant ka kisi matrix ka determinant zero bhi ho sakta hai, negative bhi ho sakta hai aur positive bhi ho sakta hai. theek, so it can find all values. theek, isko har value mil sakti hai except imaginary quantity. so bachcho yahan par yadi A इक्वल टू ए आई जे ऑफ एम क्रॉस एम ठीक है,
ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक वर्ग आहु, वर्ग आहु है, तो इसके सारणी को, सारणी को इस प्रकार से दो पैरेलल लाइंस के बीच में, ठीक है, को से व्यक्त करते हैं, ठीक, और ये किसके बराबर होगा, तथा डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू, इसको पैरेलल लाइंस के बीच में A11, A12, so on, A1M, A21, A22, A2M, so on, AM1, AM2, AMM. So, बच्चो, इस तरह से किसी determinant को express किया जाता है, बताया जाता है. For example, बच्चो, यहां पर suppose matrix A is equal to 2, 3, 4, -1, 6, -7, 4, 3, 1. ये बच्चों 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. Then its determinant is equal to, ये इसको ऐसे लिखा जाएगा बच्चों, ठीक है, 2, 3, 4 -1, 6, -7, 4, 3, 1. So related to each square matrix, there is a number. Okay, there is a special number which is called its determinant. जिसे हम उसका क्या कहते हैं? आहु कहते हैं. Related to each square matrix. ठीक, उसकी एक विशेष संख्या. और ये जो बच्चों है, ये कैसे, ये संख्या किस तरह से प्राप्त होगी, ये हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं. और इसके एक्सपेंशन के कई मेथड होते हैं. यहां पर 3x3 का है, तो बच्चों हम इसको 6 प्रकार से एक्सपेंड कर सकते हैं. वो नंबर हम इसको एक्सपेंड करके 6 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं. अगर हम इन जनरल आपको बताएं कि कोई मैट्रिक्स ए हमने ले लिया, एंड दैट इज A11, A12, ठीक है, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. सो हम अभी जब आपको डिटरमिनेंट पढ़ाएंगे बच्चों, तो इसके एक्सपेंशन को हम कई प्रकार से बताएंगे. वी हैव आल्सो a special method that is called Soros method. इसको बच्चों हम Soros method से भी expand कर सकते हैं. और जो इस जो theoretical method है, जो इसका है, जो theoretical method है, original method है, उसमें इसको 6 प्रकार से expand किया जा सकता है. Soros method से भी इसको expand किया जा सकता है. ठीक? So we have number of methods. तो यहाँ पर अगर बच्चों हम इसका फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन लिखें, तो कैसे लिखा जाता है बच्चों, देखें, A11 और अब ब्रैकेट में आने वाला फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में लिख रहा है. ये रो हटा दीजिए, ये कॉलम हटा दीजिए, ये मेन मल्टीप्लिकेशन पहले लिखा जाएगा. सो A22 A33 - A32 * A23, ठीक है बच्चों, ये आया. फिर दूसरी एंट्री पर बच्चों आप नेगेटिव लेकर के चले, प्लस माइनस प्लस, सो इट इज A12, ठीक, इसका साइन भी हम आपको बताएंगे, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस, ठीक है, फिर प्लस माइनस प्लस, इस तरह. सो A12 यहां पर आया बच्चों. अब देखें ये फर्स्ट रो में है A12, तो ये हटा दीजिए, और सेकंड कॉलम में है, इसको हटा दीजिए.
आपके पास ये एंट्रीज बचेंगी, a21 is multiplied to a33 और minus a31 is multiplied to a23 and plus the last में a13 into, अब ये रो हटा दीजिए, जिस रो में a13 है वो हटा दीजिए, जिस कॉलम में a13 है वो हटा दीजिए, सो बचा हुआ ये हुआ, तो a21 into a32 minus a31 into a22. सो बच्चो ये इस तरह से ये इसको हमने एक्सपेंड करके दिखाया, और आगे चल के हम कई एक्सपेंशन के कई मेथड्स आपको बताएंगे, ठीक है, कई प्रकार के मेथड्स इसको एक्सपेंड करने के लिए हो सकते हैं, ठीक है, होते हैं। सो बच्चों ये था डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब बच्चों आते हैं कि डिटरमिनेंट के आधार पर मैट्रिक्स को दो पार्ट्स में बांट दिया जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स को, ठीक है, कि एक तो वो मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट जीरो हो और एक वो मैट्रिक्स जिनका डिटरमिनेंट, ठीक है, नॉन जीरो। सो यहां पर ये बात करते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स मैट्रिक्स, या हिंदी में इसको कहते हैं बच्चों अव्युत्क्रमणी, अव्युत्क्रमणी, अव्यु, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका इनवर्स प्रतिलोम मैट्रिक्स अव्युत्क्रम मैट्रिक्स असंभव ना हो, ठीक है, अव्युत्क्रमणी, जिसका व्युत्क्रम ना लिया जा सके, ठीक है। सो ऐसा वर्ग आभु, ऐसा वर्ग आभु जिसका जिसका सारणिक सारणिक, ठीक है, शून्य होता है, शून्य होता है अव्युत्क्रमणी, अव्युत्क्रमणी आभु कहलाता है। सो बच्चों यहां पर ऐसे मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स नहीं लिया जा सकता है, ठीक, कारण क्या है आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि अभी हम लोग डिटरमिनेंट या इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स नहीं पढ़ रहे, लेकिन हम आपको प्री नॉलेज के आधार पर आपको या आपको इससे क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ये इसका व्युत्क्रम नहीं लिया जा सकता है ऐसे मैट्रिक्स का, क्योंकि बच्चों आगे हम लोग पढ़ेंगे ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट। अब जरा सोचो बच्चों, अगर डिटरमिनेंट जीरो हो गया तो जीरो से किसी भी मैट्रिक्स में है डिवीजन डिफाइंड नहीं है, आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जीरो से डिवीजन इज नॉट डिफाइंड, डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। सो इसका मतलब है कि ये अगर ऐसे स्टेज में अगर डिटरमिनेंट ए इक्वल टू जीरो तो ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, ठीक। सो क्लियरली क्लियरली इफ डिटरमिनेंट ए इक्वल टू जीरो, ठीक है, ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो ए इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा अव्युत्क्रमणी, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक। फिर आता है बच्चों ये ए वन पार्ट था, फिर दूसरा है बच्चों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स,
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट। सो इफ आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सच दैट इट्स डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक, देन सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, ठीक है, व्युत्क्रमणीय, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो बच्चों, ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, इट इज व्हाट, इट इज इनवर्टिबल, इट्स इनवर्स कैन बी टेकन। ऐसी मैट्रिक्स तो बच्चों नॉन सिंगुलर या व्युत्क्रमणीय, ठीक है, मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक। तो ऐसे मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। और हम लोग जानते हैं क्या, अभी अभी आपको बताया कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। सो बच्चों, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो ऐसी मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है। सो सिंस डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज इनवर्स, इनवर्स ऑफ ए इज पॉसिबल, ठीक है बच्चों। सो यहां पर आपने अब पढ़ लिया है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर भी। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लाएंगे, ठीक है, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का किस तरह से आप क्या निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। सो बाय बच्चों, ठीक, ये वीडियो लेक्चर अब मैं यहीं पर खत्म करता हूँ।